क्लास तो एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक एलिप्टिकल प्लेट का विद सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ए बी रिस्पेक्टिवली। जो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है वो ए है, सेमी माइनर एक्सिस है वो बी है, तो रिस्पेक्टिवली उन्होंने कहा हुआ है। तो अबाउट वन अ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेट। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है यूनिफॉर्म एलिप्टिकल प्लेट का सेमी एक्सिस और उसके सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस के लॉन्ग। तो हम फिगर देख लेते हैं। हमारे पास है एक हमारे पास ये एलिप्टिकल प्लेट है या एलिप्सॉइड है, तो उसके ऊपर हमने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया है जिसको हमने पार्शियल एम या डी एम से डोनेट करेंगे, और इसकी जो लेंथ होगी उसको हमने डी एस से डोनेट किया है। तो ये अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस हमने ए और बी पॉइंट्स लिए हुए हैं। एयर सेमी माइनर एक्सिस इज बी एंड सेमी मेजर एक्सिस इज ए, ठीक है। तो हमने ये फिगर को डिफाइन किया। तो हम जो हमारे पास एलिप्स होती है उसका फार्मूला जानते हैं, वो क्या होता है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वाई स्केयर और बी स्केयर इज इक्वल टू वन। यहाँ से हम वाई की वैल्यूज़ को अलहदा कर लेते हैं। जब हम वाई की वैल्यू को अलहदा करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ये हम इजीली इसको अलहदा कर सकते हैं। ये अगर हम इसको उधर ले जाएं तो वन माइनस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर हो जाएगा, और बी को उधर जाकर मल्टीप्लाई करें तो जहाँ से नीचे से भी बी कॉमन आएगा, तो इसलिए हमारे पास बी ओवर ए आएगा। तो इधर स्केयर है, तो जब हम उधर भी स्केयर लेंगे तो बी का स्केयर भी ए का स्केयर भी आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। तो हम रो की वैल्यू को जानते हैं कि जो रो हमारे पास होती है वो पार्शियल एम ओवर डी एस या एम ओवर, ठीक है, डी एस जो लेंथ होती है। तो हमारे पास ये एलिप्सॉइड है जो उसकी लेंथ के लिए होगा, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो जो डी एस है, क्योंकि ये हमारे पास दो चीज़ें, क्योंकि ये हमारे पास एलिप्स है तो ये अलोंग एक्स एक्सिस भी है अलोंग वाई एक्सिस भी है, तो इसलिए हम डी एस यूज़ करेंगे एरिया के लिए। तो ये डी एस हमारे पास किसकी इक्वल होता है डी एक्स और डी वाई के, तो हमने ये निकाल लेना है। तो हम अलोंग एक्स एक्सिस इसको देखते हैं आई इज इक्वल टू पार्शियल एम इंटू वाई स्केयर। तो जब अलोंग एक्स एक्सिस है तो हमारे पास ये हम इसको वर्टिकली देखेंगे फिर, क्योंकि हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इसके लिहाज से हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो पार्शियल एम की वैल्यू जो मेरे पास आई थी वो मेरे पास ये थी पार्शियल एम एफ डी एक्स एस, और जो डी एस था वो डी एक्स और डी वाई के इक्वल था। जब मैं इसके अंदर इस वैल्यू को पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा ये मेरे पास आ गया आई इज़ इक्वल टू पार्शियल एम, क्योंकि ये प्लेट है तो हमने इसको इंटीग्रेट भी करना है। तो पहले हम वैल्यूज़ को पुट करके बाद में इंटीग्रेट कर लें, या इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू को पुट कर लें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले इसकी हमने वैल्यू जब पुट की तो वाई का स्केयर हमारा इधर आ गया, तो पार्शियल डी एक्स इंटू डी वाई। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग है वो माइनस ए से ए तक है, और वाई एक्सिस के जो अलोंग है माइनस वाई से वाई तक है। तो जो मेरे पास है वो माइनस वाई से वाई तक होगा, ठीक है। तो जब हमने वाई की वैल्यूज़ को निकाला था तो मेरे पास वाई की वैल्यू निकली थी माइनस प्लस माइनस में बी ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो इसी तरह बी ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो वाई स्केयर, तो डी वाई, और एक्स के लिहाज से हमने डी एक्स बाहर निकाल लिया। पहले हमने इसको वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, तो उसके बाद हमने इसको एक्स के लिहाज से देखेंगे। जब हमने वाई को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आ गया वाई की 3/3, और जो हमने लिमिट अप्लाई की है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो जब हमने इसके अंदर लिमिट्स को अप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू बी ओवर ए, पहले ऊपर वाली और बाद में माइनस दूसरी लिमिट, तो ये भी माइनस है। तो यहाँ फार्मूले का जो माइनस होता है वो दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो जब मेरे पास ये चीज़ आएगी तो ये भी चीज़ सेम है, ये भी चीज़ सेम है, तो ये दोनों को सेम हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी b की 3/a की 3, और इसकी वैल्यू जो 3/2, क्योंकि ये जब हम अंडर रूट को ओपन करेंगे तो 1/2 आएगा, इसका भी अंडर रूट ओपन किया तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो हम इसको दोनों को ऐड हो रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, तो 3/2 इधर भी है, 3/2 इधर भी है, तो b की 3/a की 3 इधर भी है, b की 3/a की 3 इधर भी है, तो ये हम 2b की 3/a की 3 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर उसकी जो पावर है वो 3/2 इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास एक चीज़ इंटीग्रेट हो जाएगी। तो अब हम इसको, तो अब हम इस सारी चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी 2 rho b² a² into 3,
तो अब हमारे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं, तो हमारे पास फिर लिमिट है 0 से a तक होगी। तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाएं तो हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, a पर हमारे पास क्या है और ये हमारे पास वैल्यूज़ को हम निकालेंगे। तो वैल्यूज़ को हम निकाल लेते, हम जानते हैं कि x इज़ इक्वल टू a साइन थीटा, y इज़ इक्वल टू a कोस थीटा। तो हमने निकाल लिया है कि डी एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए कोस थीटा डी थीटा। सो आल्सो हम लिमिट अप्लाई करते हैं x इज़ इक्वल टू a, तो x इज़ इक्वल टू 0 पर जब मैंने x की जगह a को पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा a इज़ इसकी जगह मैंने जब a पुट किया तो a साइन थीटा, तो a साइन थीटा हो जाएगा, ये a से a कट जाएगा तो इधर 1 बच जाएगा। तो थीटा मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पाई बाई 2। जब मैं x इज़ इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो जब मैंने इसकी जगह 0 पुट किया तो मेरे पास साइन थीटा 0 आएगा, तो मेरे पास थीटा की दूसरी वैल्यू मेरे पास आएगी 0। और इसको हमने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हम सो द लिमिट हमारे पास जो होगी वो 0 से 2π तक जाएगी। और मैं ये सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करता हूँ, x की जगह a साइन थीटा और y की जगह a कोस थीटा पुट करना था, वो मौजूद नहीं है हमारे पास। तो डी एक्स की जगह हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जब मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया तो मेरे पास आ गया ये सारी रकम वैसे ही, और ए स्केयर वैसे ही, ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, और मेरे पास दूसरी जो 3/2 और a कोस थीटा डी थीटा। उसमें से हमने जो हमारे पीछे वैल्यू आई उसमें से हमने ए स्केयर कॉमन लिया तो 1 - साइन स्केयर थीटा बच गया हमारे पास, उसकी पावर 3/2 है a कोस थीटा डी थीटा। और a ये हमें पता है कि ये कोस स्केयर थीटा की इक्वल होती है वैल्यू, तो इसके साथ भी वैसी वैल्यू पावर्स आएंगी, ठीक है ना। तो इसके साथ भी क्योंकि हमने इसको अलग-अलग करके लिया है, इसके साथ भी जो हमारे पास पावर आई वो ये वाली 3/2, ठीक है ना, और इसके साथ भी पावर अलग होगी। ये 2 से कट जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगी और ये इस 3 से कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फिर ये सारी वैल्यू वैसे ही, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ये इससे 2 से कट जाएगा और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 3 cos 3 थीटा। तो अब हम इसको लिख लिया है, ये a की 3 और ये a, तो ये हमारे पास a की 4 हो गई। तो जब इससे कट जाएगा तो हमारे पास सिंपल a ही बचेगा, और ये cos ये हमारे पास cos की पावर 4 हो जाएगी। अब हम cos की पावर 4 को सोल्व करते हैं। अब हम कोस की पावर को 4 को सोल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2। तो कोस को मैं लिख सकता हूँ कोस केयर ठीठा की पावर 2 टी ठीठा, और इसको मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू इसके इक्वल होती है कोस केयर की वैल्यू 1 cos 2 θ/2। तो ये जब इसको मैं स्केयर को ओपन करूँगा तो ये 1/4 होगा, तो 1/4 इसका ये वाहिर आ जाएगा और 0 से π/2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास सारी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। ये 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, जब इसका स्केयर ओपन किया 1 का स्केयर वैसे ही कोज इसका स्केयर आ गया कोज स्केयर 2θ, और 2 cos 2θ हमने a जमा बी के स्केयर के फार्मूला लगाया। तो जब हम इसको और ये वैल्यू फिर स्केयर में आ गई है, जब हम इसको फिर से ओपन किया तो मेरे पास आएगा 1 cos, अगर हमारे पास थीटा हो तो हम इसको 2θ लिख देंगे, अगर 2θ हो तो 4θ लिखेंगे, 4θ/2। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आएगी, तो 2 cos 2θ, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम इसको ओपन करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको हमने जब सेपरेट करके लिख लिया है तो इसका अगला हिस्सा देखते हैं हम। तो उसमें हमें कहा गया है ये हमारे पास आ गया है 1, ठीक है ना। फिर जब हम इसको सेपरेट करके लिखा है, हमारे पास जो वैल्यूज़ थी 1 cos 4x/2 हमारे पास 2 थी, इसको मैंने लैदा करके लिख लिया है 1/2 लैदा और कोज 4, ठीक है ना, ये वैल्यू लैदा हो गई। तो ये साथ ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई अब, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको मैंने किया है इसका जब इजाफी कर लिया, ठीक है। तो ये हम 3/2 आएगा इसका आंसर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू वैसे आ गई। इसके साथ लैदा लैदा हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई किया है, जब इसके साथ इंटीग्रेशन अप्लाई हुई तो वो मेरे पास आ जाएगा 3/2x और 0 से π/2, और जो 1/3 इन सब में से कॉमन है। तो इसी तरह मैंने साइन 4x और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आएगा साइन 4x/4, ऊपर वाला 4 जो साइन 4x/4 आएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो ये 8 हमने बाहर निकाल लिया है, तो 0 से 2π हमारे पास लिमिट आ गई। और जब हमने इसको किया है तो ये 2 बाहर आएगा, कोस का हमारे पास आएगा साइन 2θ, मतलब साइन 2θ/2, और ये 2 इस वाले 2 से कट जाएगा फिर, तो हमारे पास ये आंसर आएगा साइन 2θ
जीरो से टू पाई, ठीक है। एक्स कर लेंगे थीटा, तो हमारे एक्स का यूज़ किया है तो कहीं पर एक्स है तो कहीं थीटा, ये सारा थीटा है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, तो जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमने लदे लदे कर ली। जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की है तो हमारे पास ये साइन फोर एक्स की जगह, या थीटा के, जहाँ थीटा है हमारे पास, तो थीटा की जगह हमने पाई बाई टू पुट किया और फिर माइनस फोर ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह हमने इधर भी लिमिट को अप्लाई किया, तो जब ये कट जाएगा तो हमारे पास टू पाई आएगा, जो टू पाई का आंसर ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर भी आंसर हमारे पास ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली रकम बचेगी, ठीक है ना। तो इस वाले फोर वन बाई फोर को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई भी किया था, इसलिए हमारे पास वन बाई थर्टी टू आया और वन बाई फोर आया, तो इधर वन बाई सिक्सटी आएगा, तो थ्री पाई बाई हमारे पास 60 बचेगा, सारी वैल्यूज हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन ए थी जो हमने पीछे फाइंड की थी, उसमें हमारे पास ये वाली रकम थी फोर रो, यहाँ पर हमारे पास ए भी है, फोर रो बी की थ्री ओवर थ्री, तो इधर हमारे पास था कोज फोर थीटा या एक्स, ठीक है ना। और हमारे पास जो लिमिट आई थी उसका सारे का आंसर हमारे पास ये आया है, ये मैंने इसके अंदर पुट कर दिया है। तो जब मैं इसको सेपरेट करके या इसको मैंने काट कर बाकी वैल्यूज़ को लिखा है तो मेरे पास आएगा ए रो बी की थ्री पाई बाई फोर, तो ये मेरे पास आंसर आएगा। तो यही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है।